फिर कैसी रही मीटिंग आपकी? हाँ ठीक थी। आपने जिन पेपर्स का कहा था, बहुत कोशिश की मैंने ढूंढने की लेकिन मुझे नहीं मिले। हाँ वो मेरे बैग में ही थे, सॉरी मैं बताना भूल गया था। एक बात पूछ। ये आप मेरे लिए लाए थे? ये तुम्हें कहां से मिली? जहां रखा था आपने वहां से। तुम्हें नहीं उठानी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं उठानी चाहिए थी? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर किसके लिए? अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? किसी के लिए भी हो। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर किसी के लिए भी हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मुझे। मेरा पूरा हक है ये जानने का कि अगर आप ये मेरे लिए नहीं लाए थे तो फिर किसके लिए लाए थे? और अगर मैं ना बताऊं तो? बताना पड़ेगा। बीवी हूं मैं आपकी। गलत किया है तुमने, बर्दाश्त करना चाहिए था। हर बात गुस्से से नहीं सुलझाई जा सकती। शौहर से इस तरह जिद लगाने की क्या जरूरत है? आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। उन्होंने जिस लहजे में मुझसे बात की सिर्फ मैं जानती हूँ। बीवी हूं, इतना तो हक था मेरा। है हक, बिल्कुल हक है, मगर हर जगह गुस्से से बात नहीं की जाती। किसी किसी जगह बहुत सुलझे हुए अंदाज में बात करके मसले को सुलझाया जाता है। आपके बेटे हैं ना, खून है आपका, आप तो तरफदारी करेंगे। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है आपके बेटे की जिंदगी में मेरी। और ना ही आपकी जिंदगी में। ऐसे ना कहो मुझे, ये मैं ही हूं जो तुम्हें इतने प्यार से अपनी मर्जी से इस घर में ब्याह के लाई थी। वरना तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी सगी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था तुमसे शाहजहां को छीनने के लिए। मेरी अपनी कोई सगी बेटी तो है नहीं, लेकिन यकीन जानो तुम्हें बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूं। मेरी बात मान लो, मसले को सुलझा लो। बर्बादी के लिए तो सिर्फ एक लम्हा दरकार होता है। मान जा।